देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं एमपी का हाल भी कुछ कम नहीं है। एमपी में भी अब तक करीब 13,370 केस पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 565 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन प्रदेश के मुख्य जिले जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं, उनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में अब तक 4,664 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,455 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 226 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 2,764 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,089 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि यहां अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर उज्जैन की बात करें तो करीब 856 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 763 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। यहां कोरोना की वजह से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक एमपी के लगभग हर जिले में कोरोना दस्तक दे चुका है, लेकिन 13,370 कोरोना केसों में 10,199 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि फिलहाल एमपी में 2,607 मरीजों का इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये मरीज भी ठीक होकर घर जाएंगे। आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना संक्रमण को मध्य प्रदेश से खत्म करने के लिए महाअभियान किल कोरोना शुरू किया गया है, जिसके लिए एक सर्वे भी कराया जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सैनिकों की तरह अलग अलग इलाकों में फैल गई है। ये टीमें लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर सैंपलिंग तक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। भोपाल से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।